हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ओके, जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडियक साइन के लिए है, तो ओपन माइंड करके ही देखना है। टाइमलेस है तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकोगे। जब तक कार्ड शफल करेंगे, आपको पॉजिटिव रहना है और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, जिनके साथ आप रीयूनियन करने चाहते हैं, जिसका नेक्स्ट एक्शन आप देखना चाहते हैं। ओके, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, वाह, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन, ब्यूटीफुल। ओके, ओके, देखो अब ना आपके लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। इस एनर्जी से निकल जाओ। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा। ये एनर्जी क्या है, आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, हिम्मत नहीं कर पा रहे हो आगे बढ़ने की रिलेशनशिप में। अच्छा, आपका तो ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर ने हो सकता है कोई ब्लॉक किया हुआ, या आपने कोशिश की हो प्रपोजल देने की या बातचीत करने की, लेकिन आपके पार्टनर ने एक्सेप्ट ना किया हो। लेकिन अभी वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया या आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। और आपके पार्टनर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं आगे, क्योंकि आपने एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने थर्ड पार्टी में डाल दिया। जो भी इशूज़ थे, आप दोनों के बीच में सिर्फ एक बैरियर है। वो जब जैसे ही क्लियर होगा, आप दोनों एक साथ हो जाएंगे। आप में से किसी ने, हो सकता है स्काई ब्लू, सी ग्रीन, पर्पल, वाइट, येलो कुछ पहना हो। आपके पार्टनर ने हाथ में कुछ ब्रेसलेट वगैरह कुछ तो ऐसा पहनते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ब्लैक कलर का थ्रेड हो सकता है। ये एनर्जीज हैं, आप दोनों की एनर्जीज हैं, हो सकता है आपने पहना हो, ठीक है। चलो राइट, आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट सेक्शन काफ़ी अच्छा होने वाला है, इसलिए एकदम ना पॉजिटिव रहो। सबसे पहले नेक्स्ट सेक्शन जानना है तो पॉजिटिविटी लेकर आनी पड़ेगी। ओके, चलो, यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। अब यहाँ आप ना मूव बनाना, बस आप एक्सेप्ट कर लेना सारी चीज़ें। बैलेंस तो करना ही चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ साथ में। जो चीज़ जिस सिचुएशन में जगल कर रहे थे, उस जगलिंग से निकलेंगे, आपके पास आएंगे। बैलेंस किसी भी चीज़ का हो सकता है, फैमिली इशूज, फाइनेंसेस, करियर, या फिर पर्टिकुलर कोई पर्सन। लेकिन अब वो सबसे परे हटकर आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ आकर के बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के साथ साथ बैलेंस क्या होगा, बैलेंस नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, आपके साथ शादी होगी, आपके साथ फैमिली होगी, आपके साथ फैमिली देखते हैं। आपके पार्टनर को कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक हो सकता है, ठीक है। आप में से किसी को ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, या फिर आप में से किसी के पास डॉग हो सकता है। आपके आस पड़ोस में जब भी रीडिंग देखेंगे तो या तो डॉगी की आवाज़ आएगी या आप देखेंगे डॉगी को। ओके, या जब आप घर से बाहर जाएंगे, जहाँ भी होंगे, आपको आपकी नज़र ज़रूर पड़ेगी किसी डॉगी पर। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन है आपके साथ बैलेंस और आपके साथ शादी करना। ओके, यहाँ पर है नेक्स्ट जो एनर्जी, देखो हो सकता है इन दिनों में आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो बातचीत होगी, क्योंकि अब आपके पार्टनर को आपकी कमी खलती जा रही है। ओके, देखो अगर आप दोनों के इशू में इस तरीके का इशू है ना, कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप सही नहीं हो, तो मेरे व्यूवर्स, तो एक बार आप बात कर सकते हो। यहाँ पर आज मैं आपको कोई परमिशन दे रही हूँ, जाओ बात करो। हमेशा मैं मना करती हूँ कि नहीं, अभी आप रुको, आपके पार्टनर को ही आने। तो आज मैं कह रही हूँ जाओ बात कर लो अपने पार्टनर से, पॉजिटिव रिजल्ट होगा। और अगर आपको लगता है ब्लॉक कर रखा है तो मत करना। अनब्लॉक हैं आप तो हाय हेलो का मैसेज आप डाल सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ओके, या फिर मैसेज भी मत करना, कोई स्टेटस लगा देना। ओके, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपके पार्टनर को, आपको अगर अनब्लॉक्ड है तो नॉर्मल सा हाय हेलो का मैसेज डाल के, बस इतना। सेवन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। यहाँ पर सेवन ईयर से भी हो सकता है वेट कर रहे हो आप, या आने वाले सेवन डेज, सेवन आवर्स में एक दूसरे के सामने हो गया। लाइफ में कुछ ऐसे मेजर
में जो चेंजेस हैं आप दोनों की, जो रूट्स हैं, मतलब जो परमानेंट ठीक हो जाएंगे, जिसकी जड़ ही नेगेटिविटी की, थर्ड पार्टी की जड़ ख़त्म हो जाएगी, मतलब आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी थी पूरे तरीके से ख़त्म हुई यहाँ पर ना। मुझे ऐसा लगता है या तो आप या आपके पार्टनर कुछ नेगेटिव एनर्जीज में उलझे हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप को, क्रो की आवाज़ आ सकती है आपको, या क्रो का ब्लैक फेदर दिखाई दे आप में से किसी को भी, तो समझ जाइएगा नेगेटिव एनर्जीज यूज़ हुई हैं। ओके, ब्लैक क्रो या ब्लैक कोई भी फेदर, ठीक है, डार्क होना चाहिए, ग्रे और वाइट नहीं, मैं यहाँ पर ब्लैक फेदर की बात कर रही हूँ। ओके, ये दो चीज़ें नोटिस कीजिए अगर ऐसा कुछ होता है तो। आप में से किसी को बाइक राइडिंग का शौक हो सकता है या स्कूटी या बाइक, आप लड़की हैं या लड़का, बहुत तेज़ चलाते हैं तो थोड़ा कंट्रोल करके रहिएगा। यहाँ किसी क्रिएटिविटी में हो सकते हैं। और राइट, यहाँ पर आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट सेक्शन, आपके जो भी नेगेटिविटी है डेफिनेटली उससे दूर होगी और वो आपके पास आएंगे। यहाँ पर आपकी लाइफ में भी ये चेंजेस होंगे और आपके पार्टनर की, दोनों की लाइफ में होंगे, कि आप दोनों का मैच्योरिटी लेवल और डिसीजन लेने का लेवल बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पर आपको या आपके पार्टनर को चोट लगी भी हो सकती है। रिसेंटली किसी ने ऑनलाइन कोई जैकेट पसंद किया है, कोई हुडी पसंद किया है, या तो मंगा लिया है, ऑर्डर कर दिया है, या फिर आपने सोचा कि विंटर आने तो तब मंगाएंगे, ऐसा कुछ हुआ है। ओके, ऐसा कुछ हुआ है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके पार्टनर ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आप भी ओवरथिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट सेक्शन काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि दो कार्ड ही बहुत पॉजिटिव है। अगर ये तो आपके पार्टनर की सिचुएशन से क्या चल रहा है, उनका ओवरथिंकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है, वो ट्रैवल कर सकते हैं या आप ट्रैवल कर सकते हो, दोनों मिल सकते हो, लेकिन वो ट्रैवल करना ही इतना ज़्यादा कहते हैं ना इम्पॉसिबल सा हो रहा है, क्योंकि ये जो ट्रैवल है, ये जो दोनों बीच की दूरियाँ हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, मिलना ही दिक्कत कर रहा है। मिल गए तो प्रॉब्लम ठीक, बिल्कुल परमानेंट ठीक हो जाएगी, दोनों एक साथ हो जाओगे, मिलने के अंदर ही नेगेटिव एनर्जीज है यहाँ पर। ओके, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा है ना कोशिश करेंगे आपकी तरफ बढ़ने की, आपके पास आने की, भले से कोई भी एनर्जीज हो, या तो आप हो स्ट्रॉन्ग इन सब चीज़ों की, आपको लगता है नहीं मेरे को तो मेरे पार्टनर की तरफ जाना ही है हर हाल में, चाहे कोई भी एनर्जीज हो। सेम एनर्जीज कुछ कुछ आपके पार्टनर की भी, कि उन्हें से लगता है अब स्पीडली काम करो भाई, बहुत समय ले लिया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस पर, मतलब आपके लिए सोच रहे हैं आपको खोना दें। डिवाइन से कनेक्टेड है ये रिलेशन आप दोनों का, डिवाइन एनर्जीज हैं आप दोनों के बीच में, कनेक्ट की हुई हैं, पॉजिटिविटी आएगी ज़रूर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे शादी का और बैलेंस का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, यहाँ पे नई शुरुआत तो होनी ही है। बीच में देखो अप एंड डाउन्स तो आते हैं, उससे आपको स्ट्रांगली फाइट करना है। देखो दो कार्ड जाएँ, ओ माई गॉड, देखो डेविल बॉटम में क्या है, हेरोफेंट। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको लेके नेगेटिविटी यूज़ हुई है डेफिनेटली। यहाँ पर आपके पार्टनर का यहाँ पर ना वो तो स्ट्रांग है अपने डिसीजन में, क्या उन्हें आपके पास ही आना है, आपको भी स्ट्रांग रहना है। डेविल की एनर्जी यूज़ हुई है भाई, यहाँ पर ये कन्फर्म हो गया है कि नेगेटिव एनर्जीज यूज़ की गई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होते रहें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसकी वजह से आप दोनों की दूरी है। तभी मैं कह रही हूँ कुछ मिलने में ही दिक्कत आ रही है आप दोनों के, है ना, हो सकता है फ़ोन पे भी बात हो जाती हो या नहीं हो रही हो, लेकिन मिल ना पा रहे हो आप दोनों, हाँ ये चीज़ है। फिर से वही कार्ड आया, यहाँ पर भी यही कार्ड है भाई, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर कार्ड जी इस तरीके के हैं, लेकिन यहाँ पर आपको और आपके पार्टनर की शादी ज़रूर होगी, बीच में ये सारे ब्लॉकेजेस हैं। नेक्स्ट सेक्शन आपके पार्टनर आपकी तरफ शादी का ही लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की एनर्जीज की वजह से आप दोनों में दूरियाँ भी बनी हुई हैं। ओके, आपके पार्टनर की बात करूं तो उनका डिसीज़न एकदम स्ट्रांग है आपकी तरफ, आपको अपने आप को स्ट्रांग करके रहना है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, आप सारी पॉजिटिव चीज़ें कीजिए जिससे कि ये नेगेटिविटी दूर हो जाए आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, क्योंकि इस रिलेशनशिप की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसी यही तो बैरियर है, शायद यही बैरियर है, यही रुकावट है आप दोनों के बीच में, कि आप दोनों चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं हो पा रहे हो, और हमेशा कोई ना कोई नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में आ जाती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ ना बिना किसी रीज़न के झगड़ा हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं आप दोनों के बीच में। इसी वजह से है ना आप दोनों के बीच में गड़बड़ चल रही है अभी। ओके, तो यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रहो, सबसे बड़ी चीज़ अभी आपके रिलेशनशिप के लिए यही है, क्योंकि यही बैरियर का काम कर रही हैं,
यही है कि आप दोनों की एनर्जीज अप एंड डाउन होती है और आप दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हो, आर्ग्यूमेंट कर लेते हो और फिर वहाँ पे दोनों ही पछताते हो, एक दूसरे के से बात किए बिना रह भी नहीं पाते हो, आर्ग्यूमेंट करने के बाद में पछताते भी हो। इस एनर्जी से निकल जाओ, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो। ओके, पर्सनल रीडिंग है, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एक किसी ने फेक अकाउंट बनाया है सेम मेरी ही आईडी से, तो मेरा अकाउंट प्राइवेट नहीं है, मेरा अकाउंट ओपन है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।